हेलो हेलो कौमित रानी, हेलो हेलो कौमित रानी के लिए लाइन अप होंगे तमाम खिलाड़ी। मामा एम्पायर्स के हेलो यस कैमरामैन फोकस करेंगे, प्लीज खामोशी इख्तियार करेंगे हम सब। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खिलाड़ियों का, ऑर्गेनाइजर्स का, एम्पायर्स का और शायकीन क्रिकेट का, जो हमारी शान हमारी आन पाकिस्तान के कौमी तरान के कप्तान के एहतराम में खामोश और बाद अब खड़े हुए।
सर थोड़ा सा अगर स्पेस मिल जाए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का और प्लेयर्स का। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, टीएमसी क्रिकेट ग्राउंड से मैं खुश आमदेद कहता हूं। पख्तून चैंपियंस लीग सीजन 1 का आज दूसरा मैच, एसएस एसोसिएट और अली स्पोर्ट्स के दरमियान खेला जा रहा है। जिन नाजरीन ने अभी ज्वाइन किया है, जिन शायकी ने अभी ज्वाइन किया है, मैं उन्हें बताता चलूं कि एसएस एसोसिएट ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और खेलने की दावत दी अली स्पोर्ट्स को। कामरान वली और रियाज मिदानी आगाज करेंगे अली स्पोर्ट्स की जानिब से, जबकि फजलुर रहमान इंतहाई तेज तरीन बॉलर, नौजवान बासलाहियत। मोहतरम काशिफ सज्जाद हमारे दरमियान और असगर खान टीएमसी का सबसे बड़ा छक्का लगाने वाले, असगर खान जो गेंद आज तक नहीं मिल पाई। हुकूमत ने और पीसीबी ने उस गेंद के ढूंढने वाले के लिए लाखों रुपए के इनाम रखे, लेकिन अब तो कोई भी उस गेंद को ढूंढने में कामयाब नहीं हुआ। वेरी स्वीट हमारे इंतहाई अजीज तरीन दोस्तों में से असगर खान, क्रिकेट लवर, क्रिकेट को अप्रिशिएट करने वाले, नौजवानों को बूस्ट देने वाले, बहुत ही अंदा लेफ्ट आर्म रिदमिक दिलकश स्टार्ट फजलुर रहमान का, बहुत ही दिलकश स्टार्ट है। फजल एक बार फिर और बहुत ही उमदा गेंद खेलना चाहते थे कामरान वली, कामयाब नहीं हुए। गेंद विकेट कीपर सुहेल खान के ग्रास्प में, बहुत ही आला फायर के विकेट कीपर सुहेल खान, लंबी लंबी डाइव्स इनका खुसूसी शोभा। एक और देखना होगा और भरपूर अपील, एम्पायर मोहम्मद मुनीर, एम्पायर मोहम्मद मुनीर बलूचिस्तान के शहर कोयटा से इनका ताल्लुक, कराची क्रिकेट के मुस्तरद तरीन एम्पायर्स में से एक का फैसला नॉट आउट, भरपूर अपील थी सुहेल खान और तमाम साथी खिलाड़ियों की जानिब से, इवन बॉलर फजलुर रहमान भी इस अपील का हिस्सा थे, लेकिन एम्पायर का फैसला हतमी और आखिरी नॉट आउट।
और यही क्रिकेट और कम्युनिटी क्रिकेट की शान है कि किसी भी एम्पायर के फैसले को इन ग्राउंड चैलेंज नहीं किया जा सकेगा जब तक कि इस फैसले का आपको हक हासिल ना हो, जिसे हम थर्ड एम्पायर के फैसले या फैसिलिटी कहते हैं। फजलुर रहमान एक बार फिर एक और उम्दा, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा, अपनी हाइट का पूरा पूरा फायदा उठाते हुए फजलुर रहमान बहुत ही आला बॉलिंग का मुजाहरा। और इस बार कामयाब हुए, रन लेने चाहते थे। अदील खान थे फील्डर, धुआंधार बैट्समैन कराची क्रिकेट के कई बड़े मुकाबलों में बहुत ही आला तरीन परफॉर्मेंसेस। कराची लॉयस जो शोबिस के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल क्रिकेट क्रिकेट टीम है, उसका भी अहम तरीन सुतून है अदील खान। एक रन के साथ अपना और अपनी टीम का अकाउंट खोला कामरान वली ने और ओवर मुकम्मल हुआ। एक ओवर एक रन बिना किसी नुकसान के। एसएस एसोसिएट की टीम इनाम आगा कैप्टन सुहेल खान, जमील आगा, फरीद शाह, फरीद आगा, फजल फजल आफरीदी, हैदर रज़ाक, आरिफ याकूब, दानियाल लियाकत, मोहम्मद कामरान, अदील खान और हसन कासिम। ये स्क्वाड प्लेइंग स्क्वाड एसएस एसोसिएट का हैदर रज़ाक भी इस टीम का हिस्सा है। हैदर रज़ाक आगाज करेंगे दूसरे ओवर का। राइट आर्म फास्ट और इस बार कोई गलती नहीं एम्पायर की जानिब से और कामरान वली बिल्कुल उसी तरह एक्शन रिप्ले जस्ट लाइक अ रिप्ले। उठती हुई गेंद को एक मरतबा फिर खेलने की कोशिश में सुहेल खान के हाथों कट बिहाइंड और पहला नुकसान एक के मजमूई स्कोर पर अली स्पोर्ट्स को कामरान वली की सूरत में। फरहान मैक्स एक और नौजवान बासलायत कराची का सितारा। बहुत ही आला पाए के क्रिकेटर है, मुश्किल वक्तों के खिलाड़ी है। इत्मीनान से आगाज करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता टीम को बुलंदियों पर पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं फरहान मैक्सी। रियाज बिरानी इनके साथ हैं जिन्होंने अब तक किसी गेंद का सामना नहीं किया। आउट होने वाले खिलाड़ी कामरान वली एक पर एक और एक ही ओवर के इख्तिताम पर दूसरे ओवर का आगाज। अपनी पहली गेंद पर हैदर रज़ाक कामयाब हुए। गालिबन साइड स्क्रीन को मुतहरिक करना है और क्या बात है,
नन्ही सी जान अकेले ही बहुत ईमानदार और दूसरा नुकसान दूसरी गेंद पर ओ माय गॉड फरहान मैक्सी पहली ही गेंद पर बहुत ही तबाहकुन आगाज हैदर रज़ाक का दो बड़ी विकेट दो गेंदों पर पहली दो गेंदों पर व्हाट अ बॉलिंग व्हाट अ बॉलिंग बाय हैदर रज़ाक व्हाट अ स्टार्ट बाय एसएस एसोसिएट और किस बड़ी विकेट के आउट होने के बाद फरहान मैक्सी के आउट होने के बाद अकबर खान नए बैट्समैन एक और बासलाहियत नौजवान मुश्किल वक्तों में चौथे नंबर के खिलाड़ी दूसरे ही ओवर पर विकेट पिलाना पड़ा दो विकेटों के नुकसान के बाद एक के मजबूरी स्कोर पर दो खिलाड़ी आउट पख्तून चैंपियंस लीग सीजन वन का आज दूसरा मैच अली स्पोर्ट्स और एसएस एसोसिएट के दरमियान इंतहाई मुश्किल का आगाज अली स्पोर्ट्स के लिए आगाज ही में यकीनी तौर पर अब बैट्समैन विकेट को संभालने पर तरजीह देंगे लेकिन तबाहकुन बॉलिंग हैदर रज़ाक की बदस्तूर जारी अपनी पहली दो गेंदों पर दो बड़ी विकेटें दोनों ही कॉट बिहाइंड और अब तीसरी बॉल के लिए बिल्कुल तैयार सामना करेंगे अकबर खान और इस बार निकालने में कामयाब हुए अकबर खान फिर थे मौजूद थर्ड बाउंड्री पर एक रन का इजाफा आगाज ही में अकबर खान का बहुत ही मोहतात अंदाज से थर्ड बाउंड्री की जानिब खेलकर एक रन हासिल किया और दो रन पर पहुंचाया है टू फॉर टू दूसरे ही ओवर का खेल जारी है बहुत ही आला रियाज मिरानी रियाज मिरानी वादी मेहरान सिंध के शहर हैदराबाद से इनका ताल्लुक बहुत ही उम्दा और सेंसिबल क्रिकेट खेलते हैं उम्दा बॉलिंग और मोहतात अंदाज इसी अंदाज की जरूरत अब बैट्समैनों को थ्री फॉर टू तीन रन पर दो खिलाड़ी आउट दूसरे ओवर का खेल जारी है तो यकीनी तौर पर मुश्किलात का आगाज है इन मुश्किलात से कैसे निकलना है ये अली स्पोर्ट्स के बैट्समैन बखूबी जानते हैं एक और डेंजरस डिलीवरी ओवर में कमल हुआ दो ओवर तीन रन दो खिलाड़ी आउट थ्री फॉर टू आफ्टर टू अली स्पोर्ट्स का आज का प्लेइंग स्क्वाड कैप्टन मोहम्मद अली सीनियर
खान शाह, दाऊद खान, अकबर खान, दाऊद नहीं है जी, दाऊद भी आज के स्क्वाड में नहीं है, अकबर खान, अफरोज हसन, नादिर शाह, कामरान वली, खालिद खान, जीशान हैदर, रियाज मिरानी, वसीम अली, रजा मलिक, और फरहान मैक्सी, और रजा मलिक। फजल रहमान ने अपने दूसरे ओवर का आगाज किया। ये मैच हमारा ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट पार्टनर स्पोर्ट्स स्ट्रीम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और पख्तून चैंपियंस लीग के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लाइव मुलाहिजा किया जा सकता है। हसब मामूल हसब दस्तूर स्पोर्ट्स स्ट्रीम स्पोर्ट्स के मुकाबलों को ब्रॉडकास्ट करके दुनिया के सामने लाने का एक और मुनफरिद इदारा स्पोर्ट्स स्ट्रीम। इसी असरा में दो रन, पांच मजमू स्कोर, दो विकेटों के नुकसान पर फजल रहमान एक बार फिर बहुत ही आला, व्हाट अ शॉट बाय रियाज मिरानी, चेल का इशारा एम्पायर मोहम्मद मुनीर का, क्लासिक शॉट, जितनी तेज उतना ही तेज, अपने अंदाज को बदलते हुए फिजा में उछाल दिया गेंद को छह रन के लिए, 11 for 2, 11 दो खिलाड़ी आउट। फजलुर रहमान एक बार फिर अपने अगली गेंद के लिए सामना करेंगे मिरानी। आहिस्ता आहिस्ता अपना एतमाद बहाल करते हुए अली स्पोर्ट्स के बैट्समैन खुसूसन मिरानी, रियाज मिरानी, इलेवन फॉर टू, 11 दो खिलाड़ी आउट। पख्तून चैंपियंस लीग सीजन 1 का आज दूसरा मैच, एक और तीसरा नुकसान, हारिस याकूब ने कोई गलती नहीं की, मिड ऑन पर कैच लेकर तीसरे खिलाड़ी को आउट करने का जरिया बने और स्कोरिंग शीट में फजल रहमान के साथ अपना नाम भी दर्ज कराने में कामयाब हुए। 11 for 3, अनदर ट्रॉमा, एक और मुश्किल, अकबर खान, मिरानी, रियाज मिरानी, दबाव को कम करने के लिए जारहान अंदाज अपनाया था, कामयाबी हुए थे, लेकिन इस बार सही तरह से मिडल ऑफ द बैट नहीं ला सके और मायूस कदमों के साथ ड्रेसिंग रूम में वापस। तो तीसरा बड़ा नुकसान, नाजीशान हैदर, एक और सेंसिबल जिम्मेदार खिलाड़ियों में से एक शहर कराची के, आई विटनेस के कई बड़े मुकाबलों में मुश्किल सूरत हाल से अपनी टीम को निकालने में कामयाब हुए। ये भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी इनिंग को आगे बढ़ाते हैं और कुछ देर कुछ ओवर ठहर जाए तो बड़े खतरनाक हो जाते हैं। जिशान हैदर, आला पाए का टेम्परामेंट रखते हैं जिशान हैदर, 11 for 3। तो फजल रहमान भी इस विकेट के साथ कामयाब बॉलर्स की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराने में कामयाब हुए, दो विकेट हासिल की है हैदर रजाक ने और
फजलुर रहमान ने भी एक विकेट हासिल की है अपने दूसरे और मजबूरी तौर पर चौथे ओवर पे, तीसरे ओवर पे, तीन ओवर तीन खिलाड़ी आउट, 11 for 3। ओवर मुकम्मल हुआ, कामयाब ओवर फजलुर रहमान का, दो ओवर नौ रन, एक दो ओवर नौ रन एक विकेट फजलुर रहमान, जबकि हैदर रजाक दूसरे ओवर का आगाज करेंगे। एक ओवर में दो रन देकर दो विकेट हासिल की है, दोनों ही बड़ी विकेट। कामरान वली और फरहान मैक्सी की विकेटें बैक टू बैक अपनी पहली और दूसरी गेंद पर लेने में कामयाब हुआ, दोनों ही विकेटों में आला पाए के विकेटकीपर सुहेल खान ने कोई गलती नहीं की और अपना नाम भी दर्ज करा लिया हैदर रजाक के साथ स्कोरिंग शीट में, 11 for 3। हैदर एक बार फिर हैदर एक बार फिर बहुत ही उमदा, बहुत ही आला अकबर खान, आखिरी लम्हात तक, जिसे कहा जा सकता है कि आखिरी माइक्रो सेकंड तक हैदर रजाक की बॉल पर निगाह रखनी होगी। एक सेकंड के लिए भी चूके तो हो सकता है कि गेंद या तो विकेटों में या बल्ले पर लगती हुई खतरनाक विकेटकीपर सुहेल खान के ग्लव्स तक पहुंच जाए। मोहतात अकबर खान, 11 मजबूरी स्कोर, तीन खिलाड़ियों के नुकसान पर अली स्पोर्ट्स। देखना होगा एम्पायर का इशारा, नो बॉल का इशारा एम्पायर अजीजुर रहमान का, शहर कराची की के एम्पायरिंग के शोबे का एक मोहतबर तरीन नाम, ग्रेड टू एम्पायर पीसीबी के और फर्स्ट क्लास क्रिकेट का भी भरपूर तजुर्बा रखते हुए केपीके के जिला स्वाबी से इनका ताल्लुक, स्वाबी में होने वाले एक बहुत बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट जिसमें कई नामवर खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेटर्स शामिल होते हैं उसे तवातुर के साथ सुपरवाइज करते हैं सवाबी में। और इस बार खेलने की कोशिश जारहाना, फ्री हिट एंजॉय करने की कोशिश में सही तरह से कामयाब नहीं हुए अकबर खान, एक रन का इजाफा 13 इसको बढ़ता हुआ, तीन खिलाड़ी आउट तो ना तीन में ना 13 में, चौथे ओवर में 13 के स्कोर पर तीन खिलाड़ी आउट। बहुत ही उमदगी के साथ हल्का सा कट शॉट लेकर एक रन हासिल किया और
अपना अकाउंट खोला दिशान हैदर ने 14 for 3 14-3 खिलाड़ी आउट। चौथे ओवर की आखिरी गेंद के लिए इत्मीनान से एक रन का इजाफा ओवर में कमल हुआ। 4 ओवर 15 रन 3 खिलाड़ी आउट। फजलुर रहमान एक और बार जाती हुई गेंद खेलना चाहते थे। अकबर खान कामयाब नहीं हुए। स्कोर बदस्तूर 15। रेहान तनोले भी मौजूद आज के इस मैच को विटनेस करते हुए और फयाज हुसैन भी चाइनामैन, दोनों ही बड़े खिलाड़ी कराची क्रिकेट के। दो रन का इजाफा अकबर खान के और मजमूई स्कोर में 17 स्कोर बढ़ता हुआ 17 for 3। फजलुर रहमान बदस्तूर अपनी फॉर्म को जारी रखे हुए आज के इस मैच में 11 रन देकर एक विकेट हासिल किए, तीसरा ओवर का आगाज कर दिया है 17 for 3। अली स्पोर्ट्स और उठती हुई गेंद वन हाइट काउंटेड, एम्पायर का इशारा एम्पायर मोहम्मद मुनीर का। बहुत ही उम्दा, आहिस्ता आहिस्ता अपना एतमाद बहाल करते हुए दोनों बैट्समैन, किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं है। 3 विकेट 18 के मजमूई स्कोर पर पवेलियन का हिस्सा बन चुकी अली स्पोर्ट्स की, तो यकीनी तौर पर अब संभल कर खेलना होगा दोनों बैट्समैन को, दोनों ही आला पाए के बैट्समैन कराची क्रिकेट के, अकबर खान और जिशान हैदर पख्तून चैंपियंस लीग के सीजन 2 के इस मैच में अली स्पोर्ट्स की नुमाइंदगी करते हुए। फजलुर रहमान क्या शानदार रनअप है, दिलकश रनअप, आइडियल जंप और परफेक्ट स्पीड, यह है फजलुर रहमान। 3 ओवर 12 रन 1 विकेट हासिल की है फजलुर रहमान ने। 18-3 खिलाड़ी आउट।
हैदर रज़ाक अपने तीसरे ओवर का बाहर जाते हुए गेंद खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। अकबर खान इसको बदस्तूर 18 छठे और पावर प्ले के आखिरी ओवर का आगाज हुआ है। हैदर एक बार फिर एक बार उठी हुई गेंद बहुत ही करीब से होती हुई, अकबर खान के बल्ले से लेकिन कोई खतरा नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ बैट और बॉल का। स्कोर बदस्तूर 18, तीन खिलाड़ी आउट, छठे ओवर का खेल जारी। पख्तून चैंपियंस लीग सीजन 1। इस बार विकेट कीपर सुहेल खान थोड़े से फ्रैक्शंस में लेट हुए, वरना इस किस्म के कैच को वो जरूर अटेम्प्ट करते हैं। शायद स्लिप में खड़े फील्डर अदील खान की तरफ निगाह दौड़ाई, इसी में गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रन के लिए 22 for 3 हैदर रज़ाक बहुत ही उमदा फील्डिंग, थर्ड में बाउंड्री पर और एक रन का इजाफा, यकीनी रन बचाए 23 for 3 बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला जीशान हैदर 4 रन के लिए खेल गए। हैदर रज़ाक को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री कवर और 4 रन कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान करीब करे फील्डर के ऊपर से उछाल दिया 4 रन के लिए। आहिस्ता आहिस्ता अपना एतमाद बहाल करते हुए जीशान हैदर 27 for 3 ओवर मुकम्मल हुआ तो पावर प्ले का इख्तिताम हुआ। 6 ओवर 27 रन, 3 खिलाड़ी आओ तो यकीन तौर पर पावर प्ले का यह मुकाबला एसएस एसोसिएट के नाम रहा। 3 विकेट हासिल की इस पावर प्ले में एसएस एसोसिएट ने और सिर्फ 27 रन तक रोके रखा। 27 for 3 after 6 बॉलिंग में तब्दीली, फजल रहमान की जगह
जी बिल्कुल, पावर प्ले का खत्म हुआ और अब यकीनी तौर पर कुछ मजीद फील्डर्स दायरे की पाबंदियों से मुस्तस्ना। फजलुर रहमान की जगह आरिफ याकूब, बड़ी खूबसूरती है पख्तून चैंपियंस लीग की कि न सिर्फ पख्तून इस टूर्नामेंट का हिस्सा है बल्कि दीगर तमाम कम्युनिटीज, पंजाब से ताल्लुक रखने वाले साथी, बलूचिस्तान, सिंध, उर्दू बोलने वाले बेमन कम्युनिटी के साथी और दीगर वो तमाम कम्युनिटीज जो क्रिकेट का शौक रखती है और क्रिकेट खेलती है शहर कराची में, वो तमाम ही इस रंगारंग टूर्नामेंट का हिस्सा है। और इस बार अकबर खान छह रन के साथ इस्तकबाल किया आरिफ याकूब का 33 for 3। सातवें ओवर की पहली गेंद पर थोड़े से प्रेशर के बादल कम करने की कोशिश अकबर खान की जानिब से। एक लाल होंडा सिविक, लाल होंडा सिविक गलत पार्क हुई हुई है, प्लीज जिन साहब की भी हो वो इसे रिपार्क करें, कुछ गाड़ियां इस वजह से निकल नहीं पा रही। लाल रंग की होंडा सिविक और उस्मान बाबू एसपी मामूल, टीएमसी में क्रिकेट हो और उस्मान बाबू मौजूद ना हो। थैंक यू वेरी मच उस्मान भाई, बाबू भाई। पैंतीस 35 for 3, सातवें ओवर का खेल जारी। आरिफ याकूब एक बार फिर अकबर खान को खेलना चाहते थे, बड़ी उम्दा बॉलिंग, जगह बनाने की कोशिश, कामयाब नहीं हुए। अच्छा कमबैक पहले आगाज के इस छक्के के बाद आरिफ याकूब का, इंतहाई मंझे हुए स्पिनर्स में से एक कम्युनिटी और कॉर्पोरेट क्रिकेट के। इस बार कोशिश कामयाब नहीं हुई, एक रन का इजाफा। 36 for 3। इनाम आगा कैप्टन एसएस एसोसिएट की फील्डिंग ओवर में कबल हुआ। 37 for 3, सात ओवर के खत्म पर 37 मजमूई स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पर। आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों बैट्समैन स्कोर को आगे बढ़ाते हुए, 26 रन की कीमती पार्टनरशिप इन दोनों बैट्समैनों के दरमियान। अकबर खान है 19 के इंफरादी स्कोर पर, 7 रन पर मौजूद है जीशान हैदर। दोनों ही टीमों में आला पाए के क्रिकेटर्स शहर कराची के, पख्तून कम्युनिटी के और दीगर कम्युनिटी के मौजूद है। बड़ा दिलचस्प और कांटे के मुकाबले की तवक्को, लेकिन अब तक यकीनी तौर पर एसएस एसोसिएट का पलड़ा भारी, 3 विकेट हासिल कर चुके हैं। फरीद आगा को लाया गया है हैदर रज़ाक की जगह, बहुत ही उम्दा। लंबे हाथों से स्ट्रेट आर्म से बॉलिंग करते हैं, ऊपर से गेंद आती है तो यकीनी तौर पर थोड़ी सी मुश्किलात बैट्समैनों को। इस बार देखना होगा
बहुत ही उम्दा। जीशान हैदर 6 रन के लिए खेल गए, नो एक्स्ट्रा एफर्ट, भरपूर टाइम शॉट और 6 रन। 43 for 3, 4-3 for 3, 8वें ओवर खेल जा रही। और 4 रन, थोड़ा सा लेट निकले फील्डर, डाइविंग एफर्ट करनी पड़ी, इसी बिना पर आखिर में 4 रन हासिल हुए। तो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि दोनों ही बैट्समैन अपना एतमाद बहाल करते हुए 47 for 3। बहुत ही मोहताद, प्रॉमिसिंग मेरिटोरियस बैटिंग, हर बॉल को मेरिट पर खेलते हुए जिशान, बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला। दूसरा रन भी लेना चाहते थे, अदील खान थे फील्डर बॉडी लाइन पर, कराची क्रिकेट का बड़ा नाम मोहम्मद अदील खान। बहुत ही आला और सेंसिबल बैटिंग का मुजाहरा, थोड़े से जारहाना स्ट्रोक्स खेलकर यकीन तौर पर फील्डर्स को मजबूर किया बॉडी लाइन की तरफ ले जाने में। तो अब आहिस्ता आहिस्ता इत्मीनान से सिंगल्स के साथ स्कोरबोर्ड और स्ट्राइक को रोटेट करते हुए 49 for 3 after 8, 8 ओवर 49 रन, 3 खिलाड़ी आउट। बहुत ही अंदा खेलना चाहते थे, अकबर खान कामयाब नहीं हुए, स्कोर बदस्तूर 49। एक रन के साथ 50 रन मुकम्मल हुए अली स्पोर्ट्स के। 9वें ओवर का खेल जारी, आरिफ याकूब अपना दूसरा ओवर कराते हुए। आरिफ एक बार फिर वाइड बॉल का इशारा एम्पायर मोहम्मद मुनीर का, 51 5 151। अच्छा फुटवर्क अदील का, 1 रन का इजाफा। बाहर जाती हुई गेंद जाने दिया और 1 रन हासिल किया व्हाइट बॉल का, 54। अच्छी फील्डिंग इनाम आगा की, कोई रन नहीं, कोई कोशिश नहीं की दोनों बैट्समैनों ने रन लेने की। 54, 3 खिलाड़ी आउट,
नवे ओवर का खेल जारी अपने आखिरी गेंद के लिए और इस बार निकालने में कामयाब हुए जीशान हैदर। शॉट डिलीवरी, मौका मिला, पूरा वक्त लिया और जगह तलाश करके चार रन के लिए खेल गए। 58 for 3 after 9, 9 over 58 runs, 3 खिलाड़ी आउट अली स्पोर्ट्स। तो जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि आहिस्ता आहिस्ता दोनों ही बैट्समैन सेटल डाउन होते हुए अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा रन्स की जानिब माइल करते हुए बड़ी ही उम्दा पार्टनरशिप इन दोनों बैट्समैनों के दरमियान 47 रन्स की कीमती तरीन पार्टनरशिप कहेंगे। तीन खिलाड़ी आउट हो चुके थे जब इन दोनों बैट्समैनों ने अपनी पार्टनरशिप का आगाज किया और अब तक तीन ही खिलाड़ी आउट हैं और 47 रन की कीमती पार्टनरशिप इन दोनों के दरमियान 58 for 3। फहीद आगा एक बार फिर अपने अगले ओवर के लिए। हमारा ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट पार्टनर स्पोर्ट्स स्ट्रीम के नौजवान बासलाहियत स्कोरर सैयद मास भी हमारे हमरा और ऑफिशियल स्कोरिंग पार्टनर क्रिकेट एचक्यू के मोहम्मद मिनहाज दोनों ही इंतहाई तजुर्बेकार स्कोरर, कई बड़े मुकाबले इनके क्रेडिट पर आज मेरे साथ। मेरी खुशकिस्मती कि ये दोनों आज मेरे साथ स्कोरिंग डेस्क पर और कमेंट्री डेस्क पर। 58 for 3, बहुत ही मोहतात, इंतहाई मोहतात अकबर खान 22 रन पर मौजूद है, पूरी तरह चटान बनकर खड़े हैं। इस बार व्हाट अ शॉट, इंतहाई उलट जिस अंदाज से पिछली बॉल को खेला था बैट्समैन बॉलर सोच नहीं सकता कि अगली गेंद को इतनी दंदगी के साथ खेलेंगे। अगले कदमों पर जारहाना भरपूर कुवत वाला शॉट, तमाम फील्डर्स और परिंदों से ऊपर होती हुई गेंद 6 रन के लिए बाहर चली गई। 64 for 3, 64 for 3, 50 रन की पार्टनरशिप भी मुकम्मल हुई इन दोनों बैट्समैनों की, 53 रन की कीमती पार्टनरशिप। फरीदागा बिल्कुल तैयार अपने अगली गेंद के लिए, अकबर खान इनका सामना करेंगे। बहुत ही आला क्लासिक बैटिंग का मुजाहिरा दोनों बैट्समैनों की जानिब से, जानते बूझते के गलती की गुंजाइश नहीं तो किसी भी अच्छी गेंद को जारहाना खेलने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे। बहुत ही आला, वह इस बार यकीन था पति किस देश से दौड़ेंगे और अच्छा स्टॉपर, उमदा स्टॉपर अकबर खान का, यकीनी तौर पर डेंजर एंड पर खतरनाक हो सकता था ये। 66 for 3, 10वें ओवर का खेल जारी। डॉट बॉल तेजी से जीशान हैदर पलटे थे लेकिन एक बार फिर बहुत ही उम्दा गालिबन फजलुर रहमान बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए आते हैं और दूसरे रन की ख्वाहिश को खत्म करते हैं दोनों बैट्समैनों की। 67 for 3 after 10, 10 ओवर 67 रन, 6.5
सात सिफर की औसत से 10 ओवर्स में 67 रन बनाए हैं और 3 खिलाड़ी आउट हैं, तो यकीन तौर पर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अकबर खान एंड जिशान हैदर। 30 रन पर मौजूद हैं अकबर खान, 24 रन पर इनका साथ निभा रहे हैं जिशान हैदर। दानियाल लियाकत, एक और बहुत बड़ा नाम कराची क्रिकेट का, हाईली प्रोफेशनल एटीट्यूड हर किस्म के क्रिकेट में, कम्युनिटी कॉर्पोरेट एंड क्लब क्रिकेट कई मुस्तैद इदारों के साथ मुंसलिक शहर कराची का यह नौजवान बासलाहियत क्रिकेटर हर तरह के क्रिकेट में, क्रिकेट के हर शोबे में, बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग में भरपूर जान मारते हुए दानियाल लियाकत दानी। दो रन का इजाफा 69 फॉर 3। शॉट, चार रन्स के लिए खेलने में कामयाब हुए अकबर खान, 36 पर पहुंचे अकबर खान 73 फॉर 3। 11वें ओवर का खेल जारी, जिशान 24 इत्मीनान से लॉन्ग ऑन पर खेलकर एक रन हासिल किया दोनों बैट्समैनों ने, कमोबेश टहलते हुए 75। क्लिक एचक्यू प्रोजेक्टेड स्कोर, जो एक फॉर्मलाइज्ड प्रोजेक्टेड स्कोर होता है जो हर गेंद पर तब्दील होता रहता है, इस वक्त बता रहा है कि 150 रन का प्रोजेक्टेड स्कोर है क्लिक एचक्यू के मुताबिक। तो देखते हैं कि अब किस तरह से मजीद ये दोनों बैट्समैन आगे लेके चलते हैं। इसलिए ओवर मुकम्मल हुआ 11 ओवर 75 रन, 3 खिलाड़ी आउट 75 फॉर 3। ओवर के इख्तिताम पर 3 विकेटों के नुकसान पर 64 रन की कीमती पार्टनरशिप, 11 के मजबूत स्कोर पर तीसरी विकेट हासिल की थी एसएस एसोसिएट ने। इसके बाद से भरपूर कोशिशें बॉलर्स की, लेकिन ये दोनों ही चटाने अकबर खान और जिशान हैदर।
मोहम्मद कामरान आगाज करेंगे। डॉट बॉल से आगाज कामरान का। कामरान एक बार फिर हेलो और बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला, क्योंकि स्पेस नहीं था फील्डर के पास। दोनों बैट्समैन तजुर्बेकार बैट्समैन जानते हैं कि इस पोजीशन से स्क्वायर लेग से गेंद को पकड़ कर थ्रो करने में कुछ वक्त तो लगेगा। दे शॉट मिसफी, लेकिन अच्छा कवर किया। क्रिक कैच की हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया पार्टनर के सीनियर फोटोग्राफर स्पोर्ट्स फोटोग्राफर मोहम्मद मसूद, खेलो क्रिकेट के सॉरी खेलो क्रिकेट जहां क्रिकेट जहां जहां क्रिकेट वहां खेलो क्रिकेट। इंतहाई काबिल फोटोग्राफर्स में से एक, क्या रंग बिखेरते हैं अपनी तस्वीरों में। अगले दिन जब ये फेसबुक पर देखी जाए खूबसूरत मंजरकशी अपनी जान पर खेलकर मसूद विकेटों और बॉल के इतना करीब जाते हुए। इस बार अगले कदमे पर जिशान हैदर एक रन। अच्छा स्टेडी ओवर, कामरान का 5 रन हासिल किए इसमें। 12 ओवर 80 रन 80 for 3 आफ्टर 12।
एक रन का इजाफा 84 84 रन्स। महबूब आलम भी आज मौजूद। टीम ओनर भी हैं और एम्बेसडर भी हैं पख्तून चैंपियंस लीग के। गुज़िश्ता दिनों एक टीवी प्रोग्राम में बहुत ही उम्दगी के साथ इस कोशिश को सराहा। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के इश्तराक से पख्तून चैंपियंस लीग सीजन वन। दीगर इश्तराक में टोयोटा एमजी एसएस एसोसिएट। और इस बार पूरी तरह जगह बनाई और 4 रन के लिए खेल गए अकबर खान और पहुंचे 43-43 के इंफरादी स्कोर पर। सुपर चैलेंजर फिल्टर एक्सपर्ट फोर व्हील्स हमदान रियल एस्टेट। इस बार लफ्टी माइटी देखना होगा एम्पायर का इशारा, 6 रन का इशारा एम्पायर मोहम्मद मुनीर का। तो 13 ओवर 95 रन, एक्सीलेंट बैटिंग, एक्सेप्शनल बैटिंग बाय बोथ बैट्समैन अकबर खान ऑन 49, जीशान हैदर 33। क्या बैटिंग की है दोनों बैट्समैनों ने। प्रेशर में आगाज किया था और अब जारहाना स्ट्रोक के लिए बाजू खोल चुके। इंतहाई उमदा 84 रन की कीमती पार्टनरशिप इन दोनों बैट्समैनों के दरमियान। 13 ओवर 95 रन, 3 खिलाड़ी आउट। कामरान एक बार फिर शॉट, 4 रन बाय जीशान हैदर 99। कामरान ओ जाय शॉट, यकीन दफा बॉडी लाइन के बाहर जाएगा। आशिर व्हाट अ शॉट, एक्सेप्शनल शॉट। 100 रन की पार्टनरशिप मुकम्मल हुई, नहीं 100 नहीं 105 रन मुकम्मल हुए, 100 रन मुकम्मल हुए 105। 14वें ओवर का खेल जारी, तो अब दोनों ही बैट्समैन खतरनाक रंग इख्तियार किए हुए। अकबर खान और जीशान हैदर 49 रन पर है, अकबर खान 43 रन पर है, जीशान हैदर। बहुत ही उमदा बैटिंग का मुजाहरा। एक रन चाहिए अपनी नेक्स्ट सेंचुरी के लिए, एक्सेप्शनल और यादगार नेक्स्ट सेंचुरी अकबर खान की। बैक टू बैक डॉट बॉल्स बाय कामरान अपने ओवर की आखिरी गेंद के लिए। तो इस बार खेलने में कामयाब हुए और 50 रन मुकम्मल हुए अकबर खान के। बहुत ही आला और सेंसिबल बैटिंग, मुश्किल हालात में विकेट पर आए थे और अब यकीनी तौर पर मुश्किलात के बादल छटते हुए ड्रेसिंग रूम में अली स्पोर्ट्स के इंतहाई शांति, चेहरे पर मुस्कुराहट है, दोबारा से बहाल 107
14 ओवर 107 रन, 3 खिलाड़ी आउट, 6 मजीद ओवर यानी कि 36 गेंदों का खेल भी बाकी है, बड़े खिलाड़ियों ने अभी आना भी बाकी है, तो यकीनी तौर पर अब कंफर्टेबल पोजीशन में अली स्पोर्ट्स पख्तून चैंपियंस लीग टाइटल्ड बाय शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के इस मैच में देखना होगा फील्डर है गेंद के पीछे, एक सौ नौ 109 बहुत ही देरी से अच्छा फैसला दूसरा रन ना लेने का 110 110 15वें ओवर खेली जा रही आरिफ याकूब एक बार फिर और इस बार उठता हुआ शॉट है इनाम आगा बहुत ही उम्दा कैच बहुत ही उम्दा 44 रन पर जिशान हैदर अपनी विकेट गवा बैठे लेकिन अपना फर्ज पूरी तरह अदा कर गए आरिफ याकूब कामयाब हुए इस चट्टान को गिराने में 44 रन की कीमती और 99 रन की पार्टनरशिप इन दोनों बैट्समैनों के दरमियान 99 कीमती तरीन पार्टनरशिप इस मैच की इस टूर्नामेंट की कहेंगे 11 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हुए थे और अब 110 पर चौथी विकेट एक्सेप्शनल बैटिंग बाय जिशान हैदर एंड अकबर खान वेरी वेल डन 110 4 खिलाड़ी आउट नाउ अनदर पावरफुल गन अफरोज हसन एक और मुस्तैद बैट्समैन अली स्पोर्ट्स के यकीन तौर पर अकबर खान और जिशान हैदर ने काफी हद तक इस इनिंग को सीधा कर दिया है और अब हर आने वाला बैट्समैन थोड़ा सा आजादाना खेल खेल सकता है जो सहूलतें इब्तदा में इन दोनों बैट्समैनों को हासिल नहीं थी 11 रन पर 3 विकेट ले चुके थे एसएस एसोसिएट लेकिन चौथी विकेट लेने में देर कर गए और अब 110 4 खिलाड़ी आउट 110 for 4 आरिफ याकूब अच्छी कोशिश अफरोज हसन की कि किसी तरह से रन लिया जाए बॉडी भी ले सकते थे वो उठा के फेंक देते तो और अफरोज आधी विकेट तक पहुंच चुके थे अकबर खान बिल्कुल भी तैयार नहीं थे इस रन के लिए क्योंकि बॉल उनकी निगाहों से ओझल थी आरिफ बहुत ही उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा इस ओवर पे सिर्फ 3 रन और एक बहुत बड़ी विकेट हासिल की निशान की 3 ओवर 22 रन एक विकेट
आरिफ याकूब 110 चार खिलाड़ी आउट। अकबर खान 153, अफरोज हसन ने कोई रन नहीं बनाया। वन वन जीरो फोर फोर आफ्टर 15 30। हैदर रज़ाक को लाया गया है चौथे और आखिरी ओवर के लिए। व्हाइट बॉल से आगाज, अफरोज हसन इनका सामना करेंगे, लेफ्ट आर्म प्रॉमिसिंग बैट्समैन। आखिरी 5-30 गेंदों का खेल बाकी है, 5 ओवर का। 1-1-1 नेल्सन फॉर 4। एक सौ ग्यारह 111 को क्रिकेट की इस्तेलाह में नेल्सन से ताबीर किया जाता है। 222 को नेल्सन 2 और 333 को नेल्सन 3। इसके पीछे क्या हकायक है ये मैं थोड़ी देर के बाद गूगल करके आप सबको आगाह करूंगा। 15.1 ओवर, हैदर रज़ाक एक बार फिर तैयार। मोहताद अंदाज से तेजी से अफोर्स दूसरे रन करीबी लेना चाहते थे, लेकिन यकीन तौर पर इंतहाई खतरनाक रन होता ये। अकबर खान ने इन्हें रोका, जो कमोबेश 15 ओवर से विकेट पर मौजूद है। जिशान हैदर के साथ मिलकर 99 रन की पार्टनरशिप लगा चुके और इंफरादी तौर पर 53 रन की जुम्मेदाराना इनिंग खेल चुके। 3 चौके और 3 छक्के भी लगाए, लेकिन इस इनिंग को संभालने में कामयाब हुए। 112 112। खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। अकबर खान गेंद सीधी विकेट कीपर सुहेल खान के ग्लास में, कोई नहीं आया। वन वन टू फोर फोर 112। एक और डॉट बॉल, अच्छा ओवर अब तक। हैदर रज़ाक का बड़ी ही उम्दा और सेंसिबल बैटिंग बॉलिंग का मुजाहरा हैदर रज़ाक की जानिब से। सिर्फ 17 रन दिए और 2 बड़ी विकेट हासिल की थी आगाज ही में, और इस बार कामयाब हुए फाइनल लेग पोजिशन पर खेलने में। लेग बाय का इशारा एम्पायर अजीज उर रहमान का,
अजीजुर रहमान केपीके के जिला सोबी के खेलों के और खुसूसन क्रिकेट के हलकों के नुमाया शख्सियत शेर कराची के मुस्तरद तरीन एम्पायर में से एक हाईली डिसिप्लिन एम्पायर अजीजुर रहमान 116 चार खिलाड़ी आउट बहुत ही आला चार रन्स के साथ कोटे का खत्म हुआ हैदर रजा के लेकिन बड़ी एक्सेप्शनल बॉलिंग हैदर रजा की चार ओवर में सिर्फ 21 रन्स देकर 2 विकेट हासिल किए हैदर रजा ने बहुत ही उमदा बॉलिंग 120 16 ओवर 120 रन्स चार खिलाड़ी आउट अकबर खान बदस्तूर अपने जारहाना अंदाज को जारी रखे हुए 10 रन जोड़ चुके हैं अफरोज हसन के साथ मिलकर चार ओवर का खेल बाकी है यानी 24 लीगल डिलीवरीज क्रिक एचक्यू प्रोजेक्टेड स्कोर बदलता हुआ और इस वक्त क्रिक एचक्यू बता रहा है कि 158 रन का टोटल बन सकता है जो 150 था वो अब 158 तक पहुंचा है और ड्यू फैक्टर नजर आता हुआ .121/4 और इस बार बहुत ही ऊंचा अकबर खान का देख रहा होगा 6 रन का इशारा एक और छक्का चौथा छक्का अकबर खान का 127 आरिफ याकूब ने अपने चौथे और आखिरी ओवर का आगाज किया है 29 रन के साथ एक ही विकेट पर मौजूद है आरिफ 127 अकबर 163 बहुत ही आला नवाब अफरोज हसन सामना करेंगे आरिफ याकूब का .129/4 और इस बार खेलने की कोशिश और ये क्या हुआ गालिबन में समझ नहीं पाया एक बार फिर स्लिप हुए ड्यू फैक्टर जैसे कि मैंने पहले रिस्क किया कि नुमाया होता हुआ ब्रेक लगाने की कोशिश लेकिन उस ब्रेक में स्लिप कर गए 130 17 ओवर हसन कासिम
फिर फील्डर जो कैच लेने की कोशिश में फिसले और ड्रॉप्ड। अकबर खान का कैच था 130 for 4, 130, चार खिलाड़ी आउट, 65 रन्स पर मौजूद है अकबर खान। दानिया लियाकत आए हैं मुतबादिल एंड से, अपना तीसरे ओवर का आगाज करेंगे। दो ओवर में 23 रन हासिल किए हैं और कोई कामयाबी हासिल नहीं की अब तक दानियाल ने। आरिफ याकूब चार ओवर में 32 रन दिए और एक कामयाबी हासिल की, अपना कोटा मुकम्मल किया 134। वाइट बॉल का इशारा 131। और बहुत ही उम्दा अपील LBW की बॉलर और विकेट कीपर की जानिब से, लेग बाय का इशारा पैर अजीजुर रहमान का 132। नाव अफरोज हसन को अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने होंगे। आखिरी 17 गेंदों का खेल बाकी है, 6 विकेट भी बाकी हैं, 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं 132 for 4। उम्दा बॉलिंग दानियाल की 132 132 for 4। इस बार कामयाब हुए, क्या पलक झपकते में जगह बनाई, बहुत ही आला। बहुत ही उम्दा शॉट 138 138 for 4। आरिफ याकूब के साथ सलाह मशवरा दानियाल लियाकत का 138 for 4। दानियाल एक बार फिर सामना करेंगे अफरोज, और यकीन तौर पर और कोशिश थोड़ी सी लेट दूसरे रन के लिए, लेकिन भापते हुए इरादा मुस्तरद किया और एक ही रन पर इत्तेफाक किया दोनों बैट्समैनों ने 139 for 4। एक सौ चालीस, चार खिलाड़ी आउट। और इस बार अफरोज हसन शॉट डिलीवरी, पूरा पूरा वक्त मिला अफरोज को, 18 ओवर 144 रन, चार खिलाड़ी आउट 144 for 4। After 18, दानियाल लियाकत निस्बतन महंगे साबित होते हुए 3 ओवर में 36 रन कंसीड हुए 12 रन के औसत से, और कोई कामयाबी भी अब तक हासिल नहीं कर पाए दानियाल 144 for 4।
अब दो ओवर का खेल बाकी है। जारहाना अंदाज अपना चुके अफरोज हसन, 14 रन बनाए हैं 8 गेंदों पर। चट्टान बनकर खड़े हैं अकबर खान, 66 रन के साथ 69 गेंदों का सामना किया है। 144 18 ओवर, दो ओवर का खेल बाकी है। अठारह ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका। फरीदा खान को लाया गया 19वें ओवर के लिए। अकबर खान इनका सामना करेंगे। कोशिश, किनारा लेती हुई गेंद, रन चाहिए कहीं से भी आए, 4 रन का इशारा एम्पायर मोहम्मद मुनीर का। 148 for 4, 148 148, फरीदा का एक बार फिर अकबर खान इनका सामना करेंगे। इनाम आगा, अच्छी फील्डिंग। एक 149 उठा हुआ शॉट है। एक 150 150, 4 खिलाड़ी आउट। 19वें ओवर का खेल जारी। 71 रन पर मौजूद अकबर खान, 71 15 पर मौजूद है अफरोज हसन। जान तोड़ कोशिशों में मशहूर फील्डर्स और बॉलर्स एक और विकेट के लिए। जगह बनाई, फील्डिंग पर तरजीह दी बजाय कैश के। 151 अफरोज हसन अगले कदमों पर थे, लेकिन आखिर लम्हात में स्ट्रोक को चेक किया। 152 152, आखिरी गेंद 19वें ओवर की और फरीद आगा के 3rd ओवर की। तेज़ और खेल दिया है और यकीन तौर पर ये बाउंड्री रोप के बाहर जाके गिरेगी। यही हुआ, एक और छक्का। 158 4 खिलाड़ी आउट 19 ओवर के इख्तिताम पर। तो फरीदा आगा भी निस्बतन महंगे, 3 ओवर में 35 रन कंसीव्ड हुए और कोई कामयाबी भी हासिल नहीं कर सके फरीदा आगा। दोनों ही फरीदा आगा और दानी दानिया लियाकत इंतहाई मुस्तरद तरीन बॉलर हैं, लेकिन आज यकीन तौर पर इनका दिन नहीं। 158 for 4, 158 4 खिलाड़ी आउट। आखिरी ओवर का खेल, 78 रन पर अकबर खान है, 16 रन बनाए हैं अफरोज हसन ने। आखिरी 6 गेंदे, क्रिक एचक्यू प्रोजेक्टेड स्कोर 170 रन बनाता हुआ, यानी 12 रन हासिल करने हैं क्रिक एचक्यू के मुताबिक। लेकिन ये दोनों बैट्समैन जानते हैं
कि कितने रन हासिल करने हैं इस ओवर पे। 158 for 4, 48 रन की एक और बड़ी पार्टनरशिप। चार खिलाड़ी आउट। फजलुर रहमान को आखिरी ओवर के लिए बुलाया गया। तीन ओवर में 12 रन दिए हैं फजलुर रहमान ने और एक विकेट हासिल की है। बहुत ही उम्दा उठी हुई गेंद। इनावागा बाउंड्री लाइन पर। वन सिक्स जीरो। शॉट, बहुत ही उम्दा फील्डिंग। इनामा का कैप्शन जान लगाते हुए कि इस ओवर में कम से कम रन हासिल कर सके दोनों बैट्समैन। 162। फजलुर रहमान खेलने की कोशिश, बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा इस आखिरी ओवर में। नौजवान बासलाइयत, लेफ्ट आर्म स्टाइलिश, फास्ट बॉलर, पूरी तरह कोशिशों में मसरूफ इस ओवर के में रन रेट को रोकने में। किसी हद तक कामयाब। तीन गेंदों पर 4 रन दिए हैं दोनों ही बैट्समैन। बाजू खोलकर खेलने की कोशिशों में मसरूफ है। 162 for 4। बहुत ही उम्दा, तेजी से दौड़ना होगा और तेजी से दूसरा रन भी हासिल किया है। बहुत ही उम्दा, खुसूस अकबर खान 19 ओवर से मौजूद है। पहले ओवर के बाद ही इन्हें विकेट पे आना पड़ा था, तीसरे ओवर पे गालिबन। नहीं तो कमोबेश 18-19 ओवर से मौजूद है। बड़ी ही उम्दा रनिंग पिछले रन के लिए। बहुत ही उम्दा, व्हाट अ शॉट, शॉट डिलीवरी, अफरोज हसन तो कामयाब हो गए। अफरोज हसन क्रिक एचक्यू के 170 रन को मीट करने में। 170 for 4। मजीद एक गेंद तक खेल बाकी है। क्या उठा के मारा है, व्हाट अ शॉट। 170 for 4। फजलुर रहमान एक बार फिर, और इस बार चार रन के साथ इख्तिताम। तो एक्सेप्शनल बैटिंग बाद के आने वाले बैट्समैनों की। 174 रन का टोटल और 175 रन का टारगेट जो किसी सूरत भी नजर नहीं आ रहा था आगाज में, लेकिन अकबर खान, जिशान हैदर और फिर अफरोज हसन ने इसे मुमकिन बनाया। कामरान वली एक रन बनाकर आउट हुए। रियाज मिलानी 9 रन बनाकर आउट हुए। फरहान मैक्सी कोई रन नहीं बना सके। इसके बाद अकबर खान 78 रन की शानदार नॉट आउट इनिंग खेले। जिशान हैदर 44 रन की इनिंग खेले और अफरोज हसन 32 रन की इनिंग खेलकर 174 रन पर पहुंचाने में कामयाब हुए और 175 रन का टारगेट सेट किया एसएस एसोसिएट के लिए।
देखते हैं कुछ कमर्शियल ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद अगली इनिंग के आगाज में। सीनियर बैट्समैन, विकेटकीपर बैट्समैन तला इकबाल भी आज मौजूद है हमारे साथ इस मैच को विटनेस करते हुए।
सीनियर क्रिकेट कराची क्रिकेट के एजाज शाह आज के इस मैच को मुलाजा करते हुए एजाज शाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दूसरी इनिंग का आगाज 175 रन का हदफ हासिल करने के लिए अदील खान और सुहेल खान आगाज करेंगे वसीम अली प्रॉमिसिंग क्रिकेटर कराची क्रिकेट के कई आला परफॉर्मेंसेस कराची क्रिकेट के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में वसीम अली के क्रेडिट पर वेरी स्वीट पर्सन मोहतात आगाज सुहेल खान का प्रॉमिसिंग विकेट कीपर बैट्समैन भारी जिम्मेदारियों के साथ 175 रन का हदफ हासिल करना है इनके साथ डेंजर मैन और इस बार कामयाब हुए बहुत ही आला स्क्वायर लेग पर एक कदम आगे बढ़ाकर बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के 6 रन के लिए खेल गए वसीम अली को 6 मजबूत स्कोर वसीम एक बार फिर सुहेल इनका सामना करेंगे और इस बार आखिर लम्हात अपने स्ट्रोक को चेक किया सुहेल ने कोई रन नहीं 6 बदस्तूर अपने ओवर की आखिरी गेंद के लिए वसीम अली ओवर में कमल हुआ 6 रन एक ओवर और एक ही सिक्सर के बाद एक बार फिर अच्छा कम बैक 6-1 खिलाड़ी आउट एक ओवर के खिलाफ पर बगैर किसी नुकसान के 6 विदाउट लॉस आफ्टर 1 ओवर कंप्लीटेड बॉलर नेम प्लीज रजा कामरान मलिक एक और स्पिनर रजा मलिक स्पिनर से आगाज अली स्पोर्ट्स का एसएस एसोसिएट के फील्डर्स के मुकाबले में अदील खान अब सामना करेंगे रजा मलिक का चार्ल्स हसब रिवायत जारहन स्ट्रोक से आगाज अदील खान का चार रन से अपना काम खोला अदील खान ने इसको बढ़ता हुआ 10 रन दूसरे ओवर का आगाज रजा वर्सेस अदील खान और इस बार
बहुत ही उम्दा, अदील खान 6 रन के लिए खेल गए, 16 इसको बढ़ता हुआ 16। खेलने की कोशिश, सीधा फील्डर के हाथों में कोई रन नहीं, 16 16, स्वीट 16। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट, क्या खेला है, 6 रन का इशारा, 22 विदाउट लॉस, दूसरे ओवर का खेल जारी। अदील खान ऑन 16, ओनली 4 डिलीवरीज, एक चौका, 2 छक्के, धुआंधार आगाज 175 रन का जवाब देने के लिए, 22 बगैर किसी नुकसान के, दूसरे ओवर का खेल जारी। डजमैन अदील खान, रजा मलिक, मायूस अपने शॉट से अदील खान, अच्छी फील्डिंग, ट्वेंटी टू, और तीसरा छक्का, ओ माय गॉड, कहां उठा के फेंका है, आउट ऑफ द पार्क, 28, तीसरा छक्का इस ओवर का, 28 विदाउट लॉस, 22 अदील खान, 2 ओवर, 28 रन बगैर किसी नुकसान के, SS एसोसिएट। वसीम अली तीसरे ओवर का आगाज किया, और फील्डर की कोशिश, एक और नाशवर खान, 2 ही रन से ताबड़तोड़ हमले, 38, पहले चौका फिर छक्का।
पिछले ओवर का आगाज भी बाउंड्री और छक्के के साथ। रजा मलिक के और वसीम अली के शोर में भी तारीख अपने आप को दोहराती हुई। एक और छक्का, दूसरा। फोर्टी फोर। कोई सिंगल नहीं लिया अब तक, सिर्फ चौके और छक्के खेलते हुए दोनों बैट्समैन। सिंगल का इंतजार स्कोर रेस को। स्कोरर्स हमारे दोनों स्कोरर्स मिनहाज और माज के चेहरों पर मुस्कुराहट, खुशी के आसार इस पहले सिंगल पर। 45 रन में पहला सिंगल, 6 छक्के और 2 चौके लगे हैं अब तक दोनों बैट्समैनों की जानिब से। 1 और 3। नवादिल वसीम अली को बहुत ही उमदा। अच्छी गेंद, मोहतात खेले, खेलने की कोशिश कामयाब नहीं हुए। गेसी जी अकबर खान के ग्लव्स में गई थी पिछली गेंद और इस बार मोहतात। 3 ओवर 45 रन, 15 रन से आगाज किया है जवाबी हमला। 15 रन की औसत से 175 रन का हदफ हासिल करने के लिए एसएस एसोसिएट का 45 विदाउट लॉस आफ्टर 3। 102 गेंदों पर अब 130 रन दरकार है। सुहेल खान 22 रन पर मौजूद है। अदील खान ना बॉलिंग में तब्दीली, ना दिशा को मलिक की जगह लाया गया है एक और स्पिनर। अली स्पोर्ट्स के नौजवान बासलायत भारी जिम्मेदारियों के साथ 45 रन बना चुके हैं 3 ओवर में, 15 रन की औसत से ये दोनों बैट्समैन। बहुत ही उम्दा 6 रन से इस्तकबाल नादिशा का भी। सुहेल खान 51 रन, 50 रन मुकम्मल हुए इस छक्के के साथ। चौथे ओवर का खेल जारी है। और इस बार हवा में अफरोजुल हसन, कोई गलती नहीं की और पहली कामयाबी सुहेल खान की सूरत में। जारहाना कोशिश में हवा में खेल बैठे और कोई गलती नहीं की। लाइन में आए और पूरी बॉडी को साथ मिलाकर ये कैच लेकर सुहेल खान को वापस पवेलियन में भेजा। तो पहला नुकसान 51 for 1 चौथे ओवर में और कामयाब बॉलर नादिशा एक बड़े खिलाड़ी को सुहेल खान को आउट करने में कामयाब हुए।
नागादेशिया एक बार फिर नए बैट्समैन दानिया लिया कप दानी मिसफील्ड रजा मलिक से एक रन का इजाफा फिफ्टी टू फॉर वन BLBW all out. Daniel Liaquat. Daniel Liaquat. Bada khiladi. Pehli hi gend par. To aaj Daniel Liaquat ka din nahi tha. Karachi aur corporate aur community cricket ka bada khiladi aaj. Mayus performance ke saath. क्रिकेट में यही कि जिसका दिन उसका खेल नवारिफ याकूब भारी जिम्मेदारियों के साथ दूसरी विकेट गिर चुकी 52 ही के स्कोर पर 52 फॉर टू फिफ्टी टू फॉर टू चौथे ओवर की खेल जारी यकीन तौर पर अब ठहरने वाला खिलाड़ी दरकार होगा एसएस एसोसिएट को फिफ्टी टू फॉर टू आरिफ याकूब साथ निभाने के लिए अरील खान का जो 23 रन में मौजूद है बहुत ही उमदा बॉलिंग रजा की नादिर शाह की बहुत ही उमदा नादिर शाह पहली गेंद पर छक्के से आगाज हुआ था इस्तकबाल हुआ था लेकिन इस नौजवान खिलाड़ी ने अगली ही गेंद पर विकेट हासिल किया उसके बाद दूसरे विकेट भी एक्सेप्शनल ओवर बाय नादिर शाह एक बार फिर तैयार अपने ओवर की आखिरी गेम के लिए कामयाब ओवर इख्तिताम पजीर हुआ दो विकेटों के साथ 53 फॉर टू आफ्टर फोर 53 दो खिलाड़ी आउट चार ओवर के इख्तिताम पर बहुत ही उमदा आरिफ याकूब चार रन के साथ पांच रन में पहुंचे 57 फॉर टू
अच्छी फील्डिंग, अच्छा कवर किया छोटी सी मिसफील्ड को। फिफ्टी सेवन फॉर टू वसीम अली। फ्लैट हिट, चार रन के लिए खेल गए। एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के दरमियान से 61 61 रन्स। अपील खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। आरिफ याकूब 61 61 रन्स, दो खिलाड़ी आउट। पांचवें ओवर की आखिरी गेंद के लिए वसीम अली। और इस बार छह रन्स के लिए बहुत ही उम्दा आगाज आरिफ याकूब का। कोई खिलाड़ी थपने के लिए तैयार नहीं। 67 फॉर टू, पांच ओवर 67 रन्स। वसीम अली महंगे साबित होते हुए तीन ओवर 37 रन्स 37। कोई कामयाबी हासिल नहीं की अब तक वसीम अली ने, जबकि इनके मध्य मुकाबले नादिर शाह पहले ही ओवर में 8 रन्स देकर दो बड़ी विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। और दो ही खिलाड़ी अब तक आउट हुए, तब तक कामयाब वाहिद बॉलर नादिर शाह। तैयार है अपने अगले ओवर के लिए। बहुत ही उम्दा नादिर शाह को संभल कर खेलते हुए अदी खान। नादिर एक बार फिर तैयार अदी खान को। एक और वाइट बॉल इस इनिंग की 68। मोहताज अंदाज से एक रन हासिल किया अदिल खान ने। सिक्सटी नाइन फॉर टू, फरहान बैक्सी की अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं। 69 स्कोर पर स्टोर। और इस बार अगले कदम पर गए थे आरिफ, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद, एक रन का इजाफा। 70 70 फॉर टू, नादिर शाह बदस्तूर अपनी लाइन को अपनाए हुए। बहुत ही उमदा ओवर, एक और ओवर खत्म हुआ। एक्सीलेंट ओवर, दो ओवर 11 रन, दो खिलाड़ी आउट। यह है फिगर नौजवान बासलाइत स्पिनर नादिर शाह के। 70 फॉर टू आफ्टर सिक्स, छह ओवर 70 रन, दो खिलाड़ी आउट। एसएस एसोसिएट। एक सौ पांच मजीद रन दरकार, बकिया 14 ओवर में। 105 मोर रिक्वायर टू विन ऑफ रिमेनिंग 14 ओवर। तो छह ओवर का खेल मुकम्मल हुआ।
तो यकीनी तौर पर पहले छह ओवर के खेल का मुकाबला इस बार भी एसएस एसोसिएट के नाम रहा, जिन्होंने दो विकेटों के नुकसान पर 70 एम्पायर मुनीर खान पावर प्ले के इख्तिताम का ऐलान करते हुए, और यकीनी तौर पर मजीद फील्डर दायरे की पाबंदियों से मुस्तस्ना है। कामरान वली ओपनिंग बैट्समैन, कामरान वली बॉलिंग में अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए आज बैटिंग में कामरान कोई खातिर खा परफॉर्मेंस ना दे पाए, लेकिन अब भरपूर अजम के साथ बॉलिंग का आगाज करेंगे कामरान वली। इनका सामना करेंगे आरिफ याकूब, 70 for 2 आफ्टर 6। डॉट बॉल से आगाज कामरान वली का, बहुत ही उम्दा रन चाहते थे आरे रोका अदिल खान ने, कोई रन नहीं, 70 for 2। और इस बार कामयाब हुए, अच्छा सिंगल अदिल खान और आरिफ याकूब का, इसको बढ़ता हुआ 71। बहुत ही उम्दा फील्डिंग, फील्डर थे मौजूद, अच्छा ओवर अब तक, अच्छा आगाज अब तक कामरान वली का। अदिल खान को बॉलिंग करेंगे, उड़ती हुई गेंद, विकेट कीपर अकबर खान बिल्कुल विकेटों के मुंह पर खड़े हुए, उमदा ओवर कामरान वली का, उमदा आगाज दो रन के साथ, तो यकीन था कामरान वली और नादिर शाह ब्रेक लगाने में कामयाब हो गए। जिस तेजी से आगाज हुआ था अदिल खान और सुहेल खान का, 72 for 2 आफ्टर 7।72 for 2 after 7। वाइड बॉल से इस बॉल का आगाज, 73 इसको बढ़ता हुआ, पिछले कदमों पर
अदिल खान और एक रन का इजाफा। सेवेंटी फोर फॉर टू। ओ यकीनी मौका, अकबर खान कलेक्ट नहीं कर पाए, वरना पलक झपकते में स्टंप्ड के चांसेस से। और इस बार अपील भरपूर, इंपायर अजीजुर रहमान का फैसला नॉट आउट, पूरी अपील यक जबान होकर अली स्पोर्ट्स के खिलाड़ी और बॉलर और विकेट कीपर, लेकिन इंपायर अजीजुर रहमान का फैसला नॉट आउट। 74 फॉर टू। आरिफ याकूब बहुत ही मोहतात, अच्छा बैकअप अफरोज का। 75 75 रन, तो हम 100 रन चाहिए, पूरे 100 रन दरकार इस मैच में कामयाबी के लिए। और इस बार कामयाब हुआ है आदिल वसीम अली के ऊपर से 6 रन के लिए। डीप मिड विकेट पर मौजूद थे वसीम अली, लेकिन इनके ऊपर से होती हुई गेंद बॉडी लाइन के पार। 6 रन 81 फॉर टू। इक्यासी दो खिलाड़ी आउट अपने ओवर के आखिरी गेंद के लिए। नादिर शाह बहुत ही मोहतात, एक्सेप्शनल बैटिंग। आदिल खान भापते हुए के बैक टू बैक विकेट गिर चुकी, तो अपने जारहाना अंदाज को महदूद किया। 82 रन 8 ओवर 82 रन दो खिलाड़ी आउट। 82 फॉर टू आफ्टर 8। अदिल खान मोहताद एक रन 83। खेलना चाहते थे आरिफ, सही तरह से कामयाब नहीं हुए। फील्डर है मौजूद गली पोजीशन पर, एक कोई रन नहीं। कामरान मली पदस्थूर अपनी लाइन और लेंथ के को बरकरार रखते हुए, और इस बार हवा में खेल दिया है। और बहुत ही उम्दा कैच कामरान वाली, बहुत ही आला उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा। व्हाट अ कैच, जीशान हैदर टू से दौड़ते हुए आए थे बॉडी लाइन से, और आरिफ याकूब किस विकेट में अपना नाम भी दर्ज कराने में कामयाब हुए जीशान हैदर कामरान वाली के साथ। तो तीसरा नुकसान नाउ अनदर बिग बैट्समैन, प्रॉमिसिंग बैट्समैन ऑफ कम्युनिटी एंड कॉर्पोरेट क्रिकेट, बड़े मैचों का बड़ा खिलाड़ी जमील आगा, भारी जिम्मेदारियों के साथ तीन विकेटें पवेलियन का हिस्सा बन चुकी।
गो के स्कोर एवरेज से जायद, लेकिन तीन विकेट 83 के मजबूरी स्कोर पर। नवे ओवर में ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बन चुकी एसएस एसोसिएट की। अधीर खान मदस्तूर चट्टान बने हुए 21 गेंदों पर 34 रन बनाए हैं, एक चौका और चार छक्कों की मदद से 83-3। कामरान ग्रीन बॉल, अदील खान ग्रीन बॉल हुए और कामरान वली एक और नुमाया बॉलर, बड़ी विकेट चट्टान गिराने में कामयाब हुए। अगली ही गेंद पर तो मुश्किल का आगाज एसएस एसोसिएट के लिए, अच्छा कमबैक शुरू किया। आगाज की पिटाई के बाद बॉलर्स ने अपने आप को संभाला, हिम्मत नहीं आ रही और अब 83 के स्कोर पर चार बड़ी विकेट पवेलियन में भेज चुके अली स्पोर्ट्स के बॉलर कामरान वाली दो विकेटों के साथ और नादिशा भी दो विकेटों के साथ कामयाब तरीन बॉलर्स आज के इस मैच के। इस ओवर की चार गेंदों पे दो विकेट हासिल कर चुके आरिफ याकूब और डेंजर मैन अदील खान की कामरान वली, क्योंकि आज जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि बैटिंग में कोई खातिर खा कारकर्दगी ना हो सकी, लेकिन आप बॉलिंग में सारी बैटिंग का मलावा कर दिया। दूसरे ओवर में दो विकेट ले बैठे, दोनों ही बड़ी विकेट, सेट बैट्समैन आरिफ याकूब और आदिल खान को आउट किया 83-4। जमील आगा और फरिश्ता भारी जिम्मेदारियों के साथ बहुत ही उम्दा अफरोज की फील्डिंग, बर्वक बॉल पर पहुंचे अपने ओवर की आखिरी गेंद के लिए। एलबीडब्ल्यू की नॉट आउट एम्पायर मुनीर खान का फैसला।83-4 83 चार खिलाड़ी आउट 9 ओवर के अख्ताम पर। नौ ओवर 83 रन, नादिशा अपने चौथे और आखिरी ओवर के लिए। तीन ओवर में 21 रन दिए और दो विकेट हासिल किए हैं।
جمیل آغا محتاط آغاز بڑے میچز میں بڑی پرفارمنسز جمیل آغا کی آج بھی باری لگانی ہوگی جمیل کو اس میچ میں بہت ہی عمدہ نادر شاہ جیسے کہ باندھنے میں کامیاب ہو گئے ایس ایس ایسوسیٹ کے بیٹسمینوں کو اور کوئی نہیں چار بیک ٹو بیک ڈاٹ بالز نادر شاہ ایک بار پھر اپنے اگلی بال کے لیے جمیل آغا ان کا سامنا کریں گے اور اس بار اطمینان سے ایک رن حاصل کیا اور بہت عمدہ فیلڈنگ اس کے ساتھ ہی چار اوور کا کوٹا مکمل ہوا نادر شاہ کا 22 رنز دے کر چار اوور میں 2 وکٹیں حاصل کی اور یقینی طور پر ایک بڑے خطرے کو ٹالنے میں کامیاب ہوئے بہت ہی عمدہ اور سینسیبل بیٹنگ دونوں ہی بیٹسمین جانحانہ انداز اپنا چکے تھے سہیل خان اور عدیل خان 84 for 4 84 چار کھلاڑی آؤٹ 10 اوور کے اختتام پر 8.40 کی اوسط سے 84 رنز بنائے ہیں اور اب اکانوے مزید رنز چاہیے 9.10 کی اوسط سے بقیا 10 اوور میں اور 6 وکٹیں ابھی باقی ہیں تو کانٹے کے مقابلے کی توقع حسب دستور اس میچ میں دونوں ہی بڑی ٹیمیں نامور کھلاڑی کمیونٹی اور کارپوریٹ کرکٹ کے دونوں ٹیموں کا حصہ اور بہت ہی اعلیٰ کوشش فرحان میکسی صحیح طرح سے بیک اپ نہ کر پائے ایٹی سکس وائڈ بال کا اشارہ امپائر منیر خان کا کامران والی ایک بار پھر جمیل آغا کو بہت ہی عمدہ وائڈ بال ایک اور وائڈ ایک اور ایکسٹرا 88 کوئی بول نہیں امپائر کا اشارہ 88 بہت ہی عمدہ لیگ بریک بولر کامران ولی محتاط ہو کر کھیلنا پڑا جمیل آغا کو ایک اور یقینی وائٹ ایک اور ایکسٹرا تیسری وائٹ ڈیلیوری اس اوور کی ایٹی نائن اس کو پرستور اس بیان سے لنگ آن باؤنڈری پر کھیل کر ایک رن حاصل کیا 9-0
90 runs. Another wide. और इस बार 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 बचे लीगल डिलीवरी एक रन के साथ ओवर मुकम्मल हुआ। 10 गेंदों का बड़ा ओवर चार व्हाइट बॉल के साथ 11 ओवर 92 रन 92/4 आफ्टर 11 92 for 4 after 11 Khalid Khan ek aur naujawan spinner achhi fielding aur throw bahut hi achhi wicket keeping bhi lekin batsman at home 93 स्कोर बढ़ता हुआ 93 चार खिलाड़ी आउट 12वें ओवर का आगाज किया है खालिद खान ने यकीन था पर दूसरे रन के लिए भी दौड़ेंगे और बहुत ही उम्दा रनिंग का मुकाबला मुजाहिरा अफरोज हसन बहुत दूर से दौड़ते हुए आए और बड़ा रन आउट था डायरेक्ट के बजाय क्योंकि जिस एंगल पर थे एक ही विकेट नजर आ रही थी तो डायरेक्ट के बजाय बॉलर को देने पर तरजीह देनी चाहिए थी मुकम्मल तौर पर गलत फहमी का शिकार थे दोनों बैट्समैन 97/4 मोहताज जमीला का कोर नहीं एक और मोहताज अच्छी बॉलिंग के खालिद खान अच्छी फील्डिंग नाइन्टी
98, 12 ओवर, 98 रन्स, 4 खिलाड़ी आउट. 98 for 4 after 12. तो यकीनी तौर पर बॉलर्स और फील्डर्स से मिलकर एक जारहाना आगाज को काफी हद तक कंट्रोल किया. 15 रन की पार्टनरशिप, मोहताज पार्टनरशिप जमीला का और फरीशा के दरमियान. 77 मजीद रन चाहिए. 77 आठ ओवर में बकिया 48 गेंदों पर 77 रन चाहिए. 6 विकेट अभी बाकी है. अफरोज हसन और कोशिश नाकाम. 4 रन 102 इस 4 रन के साथ 100 रन मुकम्मल हुए एस एस एसोसिएट के. 102 for 4. ना जमील आगा एक बार फिर अफरोज हसन का सामना करेंगे. तेजी से एक रन 103 बहुत ही तेजी से खतरनाक हो सकता था. एक्यूरेट थ्रो यकीन तौर पर खतरनाक हो सकता था जमील आगा के लिए लेकिन खुशकिस्मती 105 इत्मीनान से एक रन हासिल किया फरीशान 106 अफरोज एक बार फिर शॉट डिलीवरी वाइड बॉल का इशारा एम्पायर मुनीर खान का 107 107. रन लेना चाहते थे रोका परेशान है यकीन तौर पर खतरनाक हो सकता था डेजर एंड पर 108 अफरोज हसन अपने ओवर की आखिरी गेंद के लिए 10 रन हासिल हुए इस ओवर में अब तक. जारियाना स्ट्रोक बहुत ही उम्दा फरीशा टिपिकल फरीशा स्ट्रोक 114 चार खिलाड़ी आउट 114 for 4 13 ओवर 114 रन. पख्तून चैंपियंस लीग सीजन 1 पावर्ड बाय शाहिद अफरीदी फाउंडेशन हमारे दिग्गज इश्तराक में टोयोटा मोटर्स एमजी मोटर्स एसएस एसोसिएट फिल्टर एक्सप्रेस सुपर चैलेंजर फोर व्हील हमदान रियल एस्टेट और चैलेंजर कप
जिनके शराक और स्पॉन्सरशिप की बदौलत ये कामयाब पख्तून चैंपियंस लीग सीजन 1 टीएमसी के ग्राउंड में जारी हो सारी 114/4 114 चार खिलाड़ी आउट। और कोशिश खालिद खान को पहली मरतबा उन्हें एहसास हुआ होगा कि अगर वो दो फिट और बड़े होते तो यकीन तौर पर इस कैच को लेने में कामयाब होते। 115/4 बहुत ही जारहाना बॉलिंग के खालिद खान भरपूर बॉलिंग का मुजाहरा। वसीम अली स्क्वायर लेग पर वन वन सिक्स फॉर फोर इस बार हवा में खेल गए। बहुत ही उमदा कोशिश यकीनी तौर पर उमदा कोशिश कहा जाएगा। काफी दूर से दौड़ते हुए आए थे लेकिन चंद कदम पीछे रह गए। एफर्ट फिर भी की तो दो रन हासिल किए 118। अख्तर लाला एक और प्रॉमिसिंग खिलाड़ी कम्युनिटी ऑफ कॉर्पोरेट क्रिकेट के अख्तर लाला वेरी स्वीट पर्सन अख्तर लाला भी आज के इस मैच में मौजूद इस मैच को विटनेस करने के लिए 118/4 119 कामयाब हो गए खालिद खान जिस विकेट की तलाश थी इन्हें। वरीशा अपनी विकेट गवा बैठे। फाइनल एक पर स्वीप करने की कोशिश थी क्रॉस पेट खेले थे कामयाब नहीं हुए। और एक अच्छी पार्टनरशिप 119/5 14 ओवर के इख्तिताम पर तो बड़ी विकेट खालिद खान के हिस्से में। फरीशा ना फरीदा खा फरीद की जगह फरीद ने ली। जमील आगा और फरीद आगा बोथ आगाज भारी जिम्मेदारियों के साथ 119 पांच विकेटों के नुकसान पर 14 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका। बकिया 6 ओवर 36 गेंदे हैं और 56 रन हैं। 20 आंखों का फर्क है बैटर बॉल के दरमियान। 36 गेंदे और 56 रन। जमील आगा 19 पर मौजूद जबकि फरीद आगा ने अभी ही इन्हें ज्वाइन किया है फरीशा के आउट होने के बाद। 119/5 पहला पख्तून चैंपियंस लीग पावर्ड बाय शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के रूए रवा इवेंट डायरेक्टर सलमान शेखानी भी हमारे दरमियान मौजूद। शेखानी प्रीमियर लीग छिपा प्रीमियर लीग और अब पख्तून चैंपियंस लीग इन तमाम ही लीग्स के खालिक सलमान शेखानी 119/5
कामरान वाली तीन ओवर में सिर्फ 11 रन दिए हैं। अगर इनके व्हाइट बॉल को निकालें तो सिर्फ 7 रन दिए होंगे मेरा ख्याल है। कामरान वाली ने 2 विकेट हासिल किए, कामरान ने एक्सेप्शनल बॉलिंग, बड़ी विकेट आरिफ याकूब और अदील खान की बीनी के हिस्से में आई। बहुत ही उम्दा क्लासिक क्रिकेट देखने को मिल रही है नाजरीन को, बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग तमाम ही शोबों में आउट क्लास दोनों टीमों के खिलाड़ी। 120 व्हाट इंप्रोवाइजेशन, बहुत ही उम्दा क्लासिक शॉट, बहुत ही उम्दा। दो रन से आगाज किया, इंतहाई पुरेतमाद शॉट, पहले आगे फिर पीछे फिर लेफ्ट फिर राइट होकर खेलने में कामयाब हो गए दो रन के लिए। 122 for 5 कामरान वली, अपील कामरान वली की, नॉट आउट। एम्पायर मुनीर खान, लेग बाय का इशारा। 1-2-3 123 5 खिलाड़ी आउट। जमीला आगा शॉट, फील्डर है मौजूद, एक रन का इजाफा। मुकम्मल हुआ 15 ओवर 125 रन। 125 for 5 आफ्टर 15, 5 पे बड़ा जोर इस वक्त, 125 में 5 और 5 खिलाड़ी में आउट 5 और 15 ओवर में भी 5, 125 और 5 ही खेल विकेट अभी बाकी है और 5 ही ओवर अभी बाकी है, क्या बात है। और रन भी 50 है, क्या बात है, 5 ही 5 है जगह, बहुत कम कम ऐसा इत्तेफाक दुनिया में मिलता है जो आज मिल गया है मेरे स्कोरर को मिनहाज क्रिकेट क्यू के मुस्तरीन सीनियर स्कोरर और स्पोर्ट्स स्ट्रीम के उभरते हुए नौजवान बासलाहियत स्कोरर सैयद मास, सीनियर ब्रॉडकास्टर इमरान मोहम्मद जुबैर, सीनियर कैमरामैन गैलरी में मोहम्मद कामरान, पांच ओवर 50 रन, 10 रन की औसत से 5 ओवर में 50 रन चाहिए, कांटे का मुकाबला।
خالد خان نے آغاز کیا اپنے تیسرے اوور کا, دو اوور میں 11 رن دیے ہیں اور کوئی کامیابی اور ایک کامیابی حاصل کی ہے خالد نے. فرید آغا اور تیسرا رن بھی. ون ٹوینٹی ایٹ, تین رن حاصل ہوئے. عمدہ رننگ بٹوین دا وکٹ. بہت آغاز جمیل آغا اینڈ فرید آغا. کیپٹن انعام آغا کی توقعات پر پورا اترتے ہوئے. اونر اینڈ کیپٹن ایس ایس ایسوسیٹ. 128. لالا لالا اختر بھائی سب کو ادھر کر دو, سوائپ کر دو. تھینک یو. 129 for 5. اچھا شاٹ فرید آغا کا, فیلڈر موجود ایک رن کا اضافہ. 130 for 5 اپنے اوور کی آخری گیند کے لیے. ایک اور عمدہ اوور خالد خان کا, صرف 5 رنز. بہت ہی عمدہ 3 اوورز 17 رن اور 1 وکٹ. کلاسک بالنگ ان دی اینڈ, پریشر میں بہت ہی عمدہ بالنگ کا مظاہرہ کے کے خالد خان کی جانب سے. خالد خان ٹورنامنٹ کے کم سن ترین نو عمر ترین کھلاڑیوں میں سے ایک. آج بھرپور پرفارمنس اس باصلاحیت نوجوان اسپنر کی. 131 for 5. وسیم علی ایک بار پھر اپنے آخری اوور کے لیے. آغاز میں نسبتاً مہنگے ثابت ہوئے لیکن اب یقینی طور پر بھاری ذمہ داریوں کے ساتھ اپنے آخری اوور میں بڑے میچوں کا بڑا کھلاڑی وسیم علی. 131 for 5. کامران ولی کوئی غلطی نہیں کی اور جمیل آغا وسیم علی کی پہلی گیند پر اپنے وکٹ گنوا بیٹھے. ناؤ 131 for 6. ناو حسن قاسم فرید آغا کا ساتھ نبھانے کے لیے. 6 وکٹیں ڈگ آؤٹ کا حصہ بن چکی ایس ایس ایسوسیٹ کی. 131 for 6. اچھا کم بیک. پانچ اوور میں 14 رن کی اوسط سے کم و بیش 70 کے قریب تھا اسکور, لیکن اس کے بعد بولرز نے اپنی لائن کو بدلا
और अब सूरत हाल यकीन तौर पर काफी हद तक अली स्पोर्ट्स की फेवर में, छह विकेटें गिर चुकी एसएसएस स्टुअर्ट की 131। और हसन कासिम, नादिर शाह ने कोई गलती नहीं की, सातवां नुकसान। हसन कासिम आउट होने वाली सातवीं विकेट। नाउ कैप्टन इनाम आगा भारी जिम्मेदारियों के साथ 131/7। बाईस गेंदों पर 44 रन, 12 रन की औसत। बाईस गेंदें 44 रन। इनाम आगा एंड फरीद आगा अगेन आगाज ऑन क्रीज। गलती की गुंजाइश नहीं, दोनों बैट्समैन जानते हैं। शॉर्ट बॉल का इंतजार करना होगा और इस बार कामयाब हो गए हैं स्क्वायर लेग पर खेलने में। नादिर शाह मैक्सी फरहान मैक्सी थे फील्डर। और इस बार बल्ले पे आइए देखना होगा। छह रन इससे पीछे जा नहीं सकते थे, वहीं पे खड़े खड़े कोशिश और छह रन के लिए लेने में कामयाब हुए फरीद आगा। एक बार फिर कहानी में ट्विस्ट 139 अपने ओवर की आखिरी गेंद के लिए। एक और वसीम अली दो विकेट इस ओवर में हासिल करके दो सिक्सेस 145/7। तीन ओवर 18 गेंदों पर 30 रन दरकार। 30 more required to win of 18 deliveries 145/7। फरीद आगा उम्मीद की आखिरी किरण बने हुए इंतहाई जानदार स्ट्रोक्स के लिए। वसीम अली दो विकेट के साथ निस्बतन महंगे 51 रन 4 ओवर में वसीम अली के हासिल हुए 51। नवीन आगा कैप्टन सामना करेंगे
अपनी पहली बॉल खेलेंगे अफरोज हसन। बहुत ही उम्दा आगाज। वन फोर्टी सिक्स, 17 गेंदों 29 रन। तेजी से एक रन, 16 गेंदे 28 रन। अफरोज हसन भारी जिम्मेदारियों के साथ, तेज शॉट, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद, एक रन का इजाफा। कांटे का मुकाबला बैट और बॉल के दरमियान, दिलचस्प और सनसनीखेज मैच पख्तून चैंपियंस लीग सीजन 1 का, पावर्ड बाय शाहिद अफरीदी फाउंडेशन। देशोट, फील्डर मौजूद, एक रन, 149। इनाम आगा, और इस बार एक सौ पचास रन, 25 रन चाहिए 13 गेंदों पर। जमील आगा, फरीद आगा सामना करेंगे अफरोज का। फील्डर मौजूद, उमदा ओवर अफरोज का, वन फिफ्टी वन, 12 गेंदों पर 24 रन, अगेन 12 का एवरेज, 12 गेंदे 24 रन, 151 for 7, 3 विकेट अभी बाकी है। फैदागा और इस मौके पर मिसफील्ड, 4 रन। वन फिफ्टी फाइव फॉर सेवन, फरीद 28। व्हाइट बॉल का इशारा इम्पैर मुरीद खान का, 19 मजीद रन चाहिए 11 गेंदों पर। एक और व्हाइट केके की जानिब से 2 एक्स्ट्रास, 11 गेंदे 18 रन, 157। What a shot! What a catch! Nadir Shah! Nadir Shah! Fareed Agha ko out karne mein kamyab ho. Ye wicket ho sakti hai. Jab match ka paasa palat chuki. Lekin cricket mein aakhri gend tak kuch kehna. Fareed Agha ka intihai umda catch. टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये कैच।
157 for 8. दस गेंदे 18 रन्स दो विकेट अभी बाकी है इनावा का और कामरान मोहम्मद कामरान 157 दस गेंदे 18 रन चाहिए दस गेंदों पर एक और वाइड बॉल 10 गेंदे 17 रन उठता हुआ शॉट है एक रन का इजाफा नाउ इनाम आगा 159 for 8 नौ गेंदे 16 रन के वर्सेस इनाम डॉट बॉल खालिद एक बार फिर एक और डॉट बॉल अगले कदम पर इस बार और उमदा ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा खालिद का चार ओवर में 26 रन देकर दो विकेट हासिल की खालिद खान ने उमदा बॉलिंग बाय के नाउ 160 आखिरी ओवर 15 रन 6 गेंदे 15 रन दो विकेट अभी बाकी है इनाम आगा है चार पर और कामरान ने एक रन बनाया है अब देखते हैं कि अफरोज हसन आखिरी ओवर के लिए आए हैं अली स्पोर्ट्स की जानिब से हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल इस मैच की आगाज कैसे होता रहा और अंजाम इससे बिल्कुल उलट दोनों इनिंग्स में इनाम आगा स्टंप्ड तो अफरोज हसन कामयाब हुए नवी विकेट हासिल करने में 164 for 9 ना फजलुर रहमान उम्मीद की आखिरी किरण यकीन था मैं कोई चारा नहीं था बैट्समैनों के लिए कि अगले कदमों पर खेले और जारहाना खेले इसी पादाश में इनाम आगा स्टंप्ड नवा नुकसान 164 for 9 डॉट बॉल अफरोज हसन चार गेंदे 15 रन
तीन गेंदे 15 रन। ऊंचा शॉट, वन सिक्सटी वन, दो गेंदे 14 रन। वन सिक्सटी वन फॉर नाइन, नाउ आई थिंक मैच आर ओवर, लास्ट गेंद 14 रन। एक रन का इजाफा, तो 12 रन से अली स्पोर्ट्स ने इस मैच में एसएस एसोसिएट को काबू किया। दूसरा मैच अली स्पोर्ट्स के नाम, 12 रन से कामयाबी हासिल की एसएस एसोसिएट के दरमियान अली स्पोर्ट्स ने। हेलो हाँ अच्छा, इनाम आया, कोई बुला लेना उसके लिए ना, देने के लिए बल्कि ना। क्या क्या, बेस्ट बॉलर हो गया, कैप्टन है, बेस्ट बॉलर हो गया, मैन ऑफ द मैच, बस मैन ऑफ द मैच, कमरान वली, कमरान वली, चार ओवर 16 रन, 16 रन दो आउट, बेस्ट बैट्समैन तो अलग से नहीं है भैया, तैयार ले लेना आप पे, नहीं नाम Thank you.
यस फेडी मैक्यू दोनों कैप्टन प्लीज इनाम आगा और मोहम्मद अली इनाम आगा प्लीज तशरीफ लाइए यस क्यों बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी आगाज करते हैं हमारे आज की इस प्रेजेंटेशन का जो पख्तून चैंपियंस लीग सीजन वन के पहले मैच में दूसरे मैच में मुकाबला था एसएस एसोसिएट और अली स्पोर्ट्स के दरमियान बड़ा अप एंड डाउन रहा इस पूरे मैच में यकीन तौर पर जिन भी नाजरीन ने अपने अपने टीवी सेट्स पर और यहां पर यह मैच देखा है बड़े ही सनसनीखेज लम्हात से अपने आप को महसूस किया होगा लेकिन इन दी एंड अली स्पोर्ट्स ने 12 रन से कम बेबाज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अली स्पोर्ट्स सबसे पहले लूजिंग कैप्टन एसएस एसोसिएट के इनाम आगा तो शिफ्ट लाएंगे इनाम आगा इनाम बैड लक इन अ सेंस कि बड़ा अच्छा आगाज दोनों ही मरतबा पहले बैटिंग में हुआ इसके बाद फील्डिंग में लेकिन पहले फील्डिंग में इसके बाद बैटिंग में लेकिन इन द एंड फिनिश टच में शायद कामयाब नहीं हुए नहीं अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो मैं कांग्रेचुलेशन कहूंगा अली स्पोर्ट्स को उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है हालांकि हमारे फेसर्स ने 6 ओवर में 3 विकेट मैन निकाल दी थी उन लोगों की बहुत अच्छी बॉलिंग की हमारे फिर बाद में अकबर आए फिर हैदर आए बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई उन्होंने सोहेल से एक स्लिप में मिस कैच हो गया था वो मिस कर देता उन्होंने तो थ्रू आउट उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की हैदर और अकबर ने फिर बाद में इन्होंने कोई अच्छा टोटल सेट कर दिया था तो उन्होंने अच्छा खेला तो हमसे कुछ क्लैप्स हो गए थे हमारी भी स्टार्स बहुत दोनों दफा बैटिंग में भी बॉलिंग में भी स्टार्ट बहुत अच्छा मिला था लेकिन 2-3 विकेट जब जल्दी गिर गई थी तो लड़के कुछ थोड़े से पैनिक हो गए हालांकि उस टाइम पे जब दानियाल आउट हो गए थे तो स्लोगिंग करनी चाहिए थी सिंगल डबल पे जाना चाहिए था बैट्समैन आउट होते गए प्रेशर बिल्टअप होता गया इन द एंड फरीद आगा जब खेल रहे थे तब दो चक्के आगे लगा कि मैच वापस हाथ में आ रहा है लेकिन यू नो एक अच्छा कैच आपको बाहर कर सकते हैं नादिर ना चेक कैच दें तो आपने मेरे सारे सवाल के जवाब एक ही सवाल में दे दिया है मैं सिर्फ आपसे ये पूछूंगा ओवरऑल पख्तून चैंपियंस लीग एक पहली कोशिश है इसको किस तरह से देखते हैं आपका बड़ा बैकबोन सपोर्ट रहा है इस पूरे इवेंट के लिए आपकी कोशिशें भी शामिल है इसमें ओवरऑल इस टूर्नामेंट को कैसे देखते हैं नहीं मैं बेसिकली इसमें सुपर एक्टिव इसलिए हो गया था एक तो शाहिद खान अफरीदी फाउंडेशन के लिए हम लोग फंडिंग कर रहे थे तो एक अच्छा कॉज था हमने सोचा कि यार लीग्स तो सब करवाते हैं हम लोग एक नया ट्रेंड करते हैं कि एक सदका जारिया भी हो जाएगा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शायद भाई गांव में ट्यूबवेल स्कूल कॉलेजेस एंड ऑल एंड सब सारी चीज़ें बहुत काम कर रहे हैं तो उनके लिए फंडिंग करनी थी मैंने स्पॉन्सर्स का मैं शुक्रिया अदा करूंगा बहुत अच्छा साथ दिया उन्होंने तो हमारी तो छोटी सी कोशिश है अल्लाह ताला कबूल करें तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे स्पॉन्सर्स जो जितने भी बड़े लीग हो रहे हैं रमज़ान आ रहे हैं सारे चैरिटी करते हैं तो इसी तरह चीपा है ईदी है इस तरह बहुत सारे फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि इस तरह के लीग में बड़े बड़े जो सेट हैं वो चैरिटी तो करते हैं तो थोड़ा सा तवज्जो इस तरफ भी दिलाना चाहिए उनको कि मैचेस तो हो जाएंगे मैचेस लीग्स होते रहते हैं लेकिन अगर हम इस पर फोकस करें तो गरीबों का थोड़ा सा भला भी हो जाएगा एंजॉयमेंट भी हमें मिल जाएगी और दूसरी बात ये थी कि सारे कम्युनिटीज अपने वो करवा रहे थे लीग्स करवा रहे थे मेमन लीग तो इतने सारे लीग्स हो रहे थे तो मैंने सोचा कि यार पठान लीग्स करवाया जाए क्योंकि पठान टैलेंट यू नो बहुत ज्यादा है यहाँ पे कराची में तो मैं चाह रहा था कैसे ग्रूम हो जाए लड़के यहाँ से थोड़ा सा अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाए ये लड़के बहुत कैपेबल है इन चीजों के ये इनको बस सिर्फ ग्रूम करना है आप देख रहे हैं बहुत टफ लड़के हैं बहुत टफ टीमें बनी हुई है आप आखिर तक कुछ कह नहीं सकते कि यार किसके अगेंस्ट मैच आएगा लड़के इतने सारे अच्छे हैं तो इनको सिर्फ पॉलिश करना है मैं चाह रहा हूँ कि ये लड़के यहाँ पे उठ के आ जाए फिर जाके किसी अकेडमी में या कोई सिलेक्टर कोई कोई
इनको पिक कर लें, फिर जाके इनको ग्रूम कर दे, तो इंशाल्लाह हमारी छोटी सी कोशिश होगी, और अगर ये आते हैं ऊपर आते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। नाउ आखिरी सवाल के टूर्नामेंट का जो पहला मैच था, यकीन तौर पर अच्छी फाइट हुई, आगे किस तरह से देखते हैं इनाम आगा अपनी टीम को? नहीं, जो मैं देख रहा हूँ पांचों टीमें बहुत अच्छी कम्बिनेशन के साथ आ रही है। पहला मैच बहुत क्लोज बहुत अच्छा हुआ था, आर लक वो आ गए थे, लेकिन उनके लड़के मैं देख रहा था, बैटिंग बहुत अच्छी थी उनकी, बॉलिंग भी थी। आज मैं अली को देख रहा था स्पोर्ट्स को, उनके पास बहुत लेगीज है, बैट्समैन बहुत अच्छे बैट्समैन है, बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, हमारे पास बैट्समैन भी अच्छे थे, हमारे पास बॉलिंग भी अच्छी है। और बहुत शुक्रिया इनाम आगा थे हमारे साथ। नाउ विनिंग कैप्टन हैप्पी कैप्टन अली मोहम्मद अली तशरीफ लाएंगे। अली कामरान वली, कामरान बहुत बहुत मुबारक हो, मतलब एक्सेप्शनल क्रिकेट आज आप लोगों की तरफ से देखने को मिली। इतना प्रेशर आगाज में, पहले बॉलिंग में हुआ, फिर पहले बैटिंग में हुआ, फिर बॉलिंग में हुआ, लेकिन आप तमाम को तोड़ते हुए आपकी टीम ने बड़ा जबरदस्त मुकाबला किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो डाउट ये एसएस एसोसिएट इस टूर्नामेंट की सबसे टफेस्ट टीम है मेरे ख्याल से, और अली स्पोर्ट्स का मैं थैंक यू अदा करना चाहूंगा अली भाई का, कि उन्होंने यंगस्टर को चांस दिया। आप हमारी टीम में एक दफा नजर दौड़ाए कि एक भी इस तरह बड़ा स्टार प्लेयर नहीं है, जो लड़के रेगुलर खेलते हैं, संडे सैटरडे खेलते हैं वो लड़के, और एट द एंड T20 इस तरह गेम है आखिरी बॉल तक पता नहीं लगता। आपने देखा कि उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट, तकरीबन पहले 3 ओवर में हमारे 3 मेन बैट्समैन आउट हो गए, फिर जब वो बॉलिंग बैटिंग में आए 6 ओवर में उनके 75 थे, टोटली उनकी साइड पे मैच था। एट द एंड ये T20 है, आखिरी बॉल तक पता नहीं लगता कौन जीतेगा कौन हारेगा। जो मेहनत करता है, हमारे लड़कों ने मेहनत की, फील्डिंग में टफ टाइम दिया दूसरी टीम को, उसलिए हम अपर हैंड। कामरान, यकीन तौर पर पहली इस किस्म की जीत, बड़ी टीम के खिलाफ जीत, टीम के मॉरल को और हाई कर देती है। बिल्कुल, इस किस्म की जीत किसी भी टूर्नामेंट में अगर हल्की टीम बड़ी टीम को मारती है तो उसका मोराल ऑटोमेटिकली अप हो जाता है, और वो आगे इससे भी बेहतर करने की कोशिश करता है। हमारे अनफॉर्चुनेटली 2-3 टूर्नामेंट्स में, 2-3 मैचेस में हमारी टीम बहुत अच्छी थी, पर बहुत हम मैचेस हार रहे थे। इस जीत से मेरे ख्याल में मेरी और मेरी टीम का मोराल बहुत हाई हुआ है, और मैं वंस अगेन थैंक यू अदा करना चाहूँगा ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजर्स का, कि उन्होंने इस तरह ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म दिया बॉयज़ को कि वो आके अपने टैलेंट्स को ग्राउंड में जाहिर कर सके। आगे इसी किस्म के मुकाबले देखने को मिलेंगे अली स्पोर्ट्स की जानिब से? हम तैयार हैं किसी भी मुकाबले के लिए। थैंक यू वेरी मच जी, हमारे साथ थे कामरान वली। नाउ प्रेजेंटेशंस, बेस्ट बॉलर ऑफ द मैच गिफ्ट हैम्पर बाय फिल्टर एक्सप्रेस एक्सपर्ट, फिल्टर एक्सपर्ट्स, कामरान वली 4 for 16। बहुत बहुत मुबारक हो कामरान। नाउ मैन ऑफ द मैच कैश रुपीज 2500, नन अदर देन अकबर खान 78 रन की यादगार इनिंग, और एक स्टंप भी इनके क्रेडिट पर, अकबर खान विकेटकीपर बैट्समैन। अकबर बहुत बहुत मुबारक हो, क्या इतने मगरूर हो गए पहले जाने लगे हो? कैसा रहा आज का मैच? बड़ा प्रेशर था, 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, लेकिन अकबर जो है वो बिल्कुल अकबर की तरह ही खेलता रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करूँगा। शुरू में तो हैदर रजाक और फजल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, तो हमारे 3 बैट्समैन मैन आउट कर दिए थे ऊपर से, पर कप्तान हमारे मोहम्मद अली ने मुझे कहा कि आपने पूरे ओवर खेलने हैं, तो मैंने यही माइंड बनाया था कि अगर मैं पूरे ओवर खेलूंगा तो इंशाल्लाह मैं अपनी टीम के लिए बड़ा टारगेट सेट कर सकता हूँ। जिशान हैदर आपके साथ एक्सेप्शनल एक नॉक हुआ, और क्या क्या जब सामने वाला खिलाड़ी इसी अंदाज से खेल रहा हो जैसे आप लोग चाहते हैं तो मॉरल और हाई हो जाता है। माशाल्लाह जैसे जिशान मेरे साथ खेला है, जिशान ने मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस दिया है, मैं उसका थैंक यू अदा करना चाहता हूँ, उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है, तो और उस वजह से मैंने इतनी अच्छी इनिंग खेली। अब यकीन तौर पर अगले मैचेस हैं, बड़े मैचेस हैं, पहली कामयाबी में इतना बड़ा आपका अमल दखल, तो आगे भी इसी किस्म की इनिंग खेल देखेंगे हम
अकबर सिंह इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, मैं अपनी टीम के लिए इसी तरह की इनिंग खेलता रहूंगा और टीम को मैच जितवाता रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग मैचेस। हमारे साथ थे अकबर खान जो इस बात का अजम कर रहे थे कि आगे भी इसी किस्म के मैचेस होंगे। साइन ऑफ फ्रॉम स्पोर्ट्स स्ट्रीम, हमारे साथ जुड़े रहिए पख्तून लीग चैंपियंस लीग सीजन 1। लाइव क्यों नहीं गया? नहीं चला गया यार, आप डरा रहे हैं।